अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप एक ऐसी दुआ पढ़ते थे, मैं जब घर से निकलता हूँ ना, मौलवियों दी औलादा के उत्ते शैतान बड़ा फेरा दे के रखता है, उनसे गुनाह करवाता है, फिर उनको माशरे में जलील करता है और उनकी इज्जत नहीं रहती और लोग उनके पीछे नमाजें पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। शैतान उनसे काम ही ऐसे बड़े बड़े करवा देता है, गुनाह करवा देता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अंता साहिबी फी सफरी हाजा, या अल्लाह ये जो सफर है ना, इस सफर में मेरा रफीके सफर तू है। अल्लाह सफर में मेरा रफीके सफर कौन है? तू है। वल खलीफा तू फिल अहली वल माल, साथ भी तू है और मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में भी तू है। ये बहुत बड़ी जामे दुआ है। अहले हदीस की अक्सरियत को 99% लोगों को ये दुआ नहीं आती। और पंजाबी में पढ़ लिया करो, उर्दू में पढ़ लिया करो, या अल्लाह तू सफर में मेरे साथ है और मेरे घर और मेरे माल में भी तू है। अल्लाह मेरी जवान बच्चियों की इज्जतों का रखवाला तू है। अल्लाह मैंने जो माल कमाया है, मेरे बच्चों की जवानियों का रखवाला भी तू है। अच्छा मेरे भाइयों, वो मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहता, वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफवा वल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा। मेरे साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अफवा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। अच्छा जी, इसका तर्जमा इसको याद करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम की नेमत के बाद सबसे बड़ी नेमत, इस्लाम की नेमत के बाद सबसे बड़ी नेमत वो कौन सी है? फरमाया आफियत की नेमत है। किसकी नेमत है बोलिए? किसकी? आफियत का मतलब क्या है? ऐ अल्लाह, कोई बीमारी ऐसी ना लगे जो सेहत ले जाए, माल ले जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये दुनिया का पुत्र हलाक हो गया। हलाक कैसे हुआ है? पहले माल लेने के लिए, दुनिया इकट्ठी करने के लिए अपनी सेहत गवा देता है, 18-18 घंटे जागता है, माल माल माल, और फिर जब सेहत चली जाती है, जिगर का कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया है, ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, किडनी फेल गुर्दा फेल हो गया है, तो फिर सेहत को पाने के लिए अपना माल दे देता है। कैसा है ये दुनिया का पुत्र, बर्बाद कैसे होता है? माल लेने के लिए सेहत दे देता है और फिर सेहत लेने के लिए क्या दे देता है? माल। बड़े सारे बंदों को आपने देखा है, उनके पास आफियत नहीं है, और फिर जब अल्लाह माल देता है, लोगों की औलादें जिना करती हैं, शराब पीती हैं, नशा करती हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफवा, अल्लाह तूने नेमतें दी हैं, मेरी औलाद के अंदर आफियत देना, उनमें से किसी को भी ये जो ऐब है, जिना बदकारी फाशी वाला ना पकड़े। और इसी दुआ का अगला हिस्सा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफवा वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाह मेरे दीन के अंदर भी तुझसे आफियत का सवाल है, दुनिया के अंदर भी तुझसे आफियत का सवाल है, अहल के अंदर भी तुझसे आफियत का सवाल है। कई बंदे हैं जिनकी औरतें बुराई की तरफ चली जाती हैं, जवान बेटियां चली जाती हैं। हजरात, बीमारियों के घरों में डेरे हैं, एक बीमार होता है वो उठता है, दूसरा हो जाता है, वो उठता है तीसरा हो जाता है, तीसरा सही होता है चौथा हो जाता है, कोई ना कोई नुकसान और फटीक पड़ती रहती है। तेरी ये जुबान क्यों नहीं चलती और तू क्यों नहीं कहता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ वल आफिया फिद्दीनी व दुनियाया व अहली व माली। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को छोड़ने का नतीजा है।
तो ये दुआ है, इसकी मैं आपको नसीहत करता हूँ। ये इब्ने माजा के अंदर भी है और सुनन अबी दाऊद के अंदर भी। आप इसको याद करें, हर वो दुआ याद करें, हर वो सवाल याद करें जो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगा है। अच्छा जी, दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल्लफाफा वल्गिना। चार हरफ है, चार हरफ। पहला क्या है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे, तेरा नबी तुझसे हिदायत का सवाल करता हूं। हिदायत हर काम में, हिदायत दुनियादारी में कारोबार करने लगा हूं, अल्लाह मेरी रहनुमाई करना। बच्ची बच्चे का रिश्ता करने लगा हूं, मेरी रहनुमाई करना। अल्लाह फुलां को मैं दोस्त बनाने लगा हूं, मेरी रहनुमाई करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, या अल्लाह दीन और दुनिया के हर काम में तूने मेरी रहनुमाई करनी है, मैं रहनुमाई का तुझसे सवाल करता हूं। दूसरा कलिमा क्या है, वत्तुका, या अल्लाह मैं तुझसे परहेजगारी का सवाल करता हूं। हजरात, एक बंदा ना जिसको माल मिल जाए वो परहेजगारी से दूर हो जाता है, इससे बड़ा फितना क्या है, ऐसा आलिम जिसके पास इलम है और वो इलम के बावजूद परहेजगारी नहीं करता। इलम का फितना माल के फितने से भी बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, अल्लाह ताला की अदालत में तीन बंदे पेश होंगे, एक मुजाहिद है, क्या लेकर आया है, अल्लाह तेरे लिए जान दी है। अल्लाह फरमाते हैं तू झूठ बोलता है, तूने जान दिया कि लोग कहें क्या लड़ा और क्या दलेरी से शहीद हुआ, जो तू चाहता था तुझे दुनिया में मिल गया, आज मेरी बारगाह में कुछ नहीं है। कई बंदे ना चंदा देकर कहते हैं जी दुआ करना, और ये बात याद रखो, कभी नेकी करके ये ना कहना कि अच्छा दुआ करना, दुनिया में तुमने बदला ले लिया है। अगर बाज़ उलमा को आपने ऐसे करते देखा है, शायद तरगीब के लिए या तालीम के लिए करते हो, अल्लाह तबारक व ताला के बंदे क्या कहते हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउ वला शुकूरा, हमने तुमसे कोई बदला नहीं लेना, शुक्रिया भी नहीं लेना, हमने बदला किससे लेना है, अल्लाह से। कई लोग हैं वो पैसे देकर कहते हैं जी अच्छा जी मेरा नाम लें, मेरे अब्बू का नाम लें और फिर दुआ करें। हजरात, अल्लाह ने ये उलमा को ज़ुबानें दी हैं अपनी तारीफ के लिए, बंदों की तारीफ के लिए नहीं दी। और मेरे भाइयों दोस्तों, एक आलिम भी पेश होगा, एक सखी भी पेश होगा, हाँ जी या अल्लाह बड़ा माल दिया है, बड़ी मसीतें बनवाई हैं, हस्पताल बनवाए हैं, शादियाँ की हैं, इलाज करवाए हैं, अल्लाह फरमाते हैं तो भी झूठ बोलता है, तू भी चाहता था दुनिया में लोग मेरी जे जे कार करें, बल्ले बल्ले वाजी शाहवाजी अलहाज मियाँ साहेब फलां हजरत शजरत ये और वो और दिस और डैट, जा आज मेरी बारगाह में तेरे लिए कुछ नहीं है। और एक आलिम आएगा, क्या लेकर आया, अल्लाह मैंने बड़ी तकरीरें की हैं, मैंने बड़े बयान किए हैं, बड़ी दुनिया को मैं सीधे रास्ते पर लाया। पर वो आलिम भी उसकी मिसाल चराग की तरह है, लोगों को रोशनी दे रहा है लेकिन अपने तले अंधेरा है। अल्लाह फरमाते हैं तू भी झूठ बोलता है, तू चाहता था दुनिया में लोग मेरे नारे मारे, कहे जी बल्ले बल्ले जी किड्डा हाले में, आज तेरे लिए भी मेरी बारगाह में कुछ नहीं है। तो अल्लाह से हिदायत का सवाल करना, जब भी कोई काम करे सबसे पहले अल्लाह को क्या करें, या अल्लाह तू रहनुमाई करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ये अल्लाह के नबी की दुआएं हैं। वत्तुका परहेजगारी, अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी पर रशक जायज नहीं है, रिजक की तकसीम रब की है, जिसको चाहे ज्यादा दे जिसको चाहे थोड़ा दे, अल्लाह ताला रिजक तकसीम करता है। लेकिन फरमाया दो बंदों पर रशक करना जायज है।
रजुलुन आताहुल्लाहुल माला, एक बंदे को रब ने माल दिया, वो अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहा है, छुपा छुपा के खर्च कर रहा है। और एक बंदा, फरमाया अल्लाह ने उसको इलम दिया है और उस इलम के साथ वो अमल कर रहा है, तो बंदा कह सकता है कि या अल्लाह जिस तरह तूने इसको माल दिया है मुझे भी दे, मैं भी तेरी राह में खर्च करूं। और अल्लाह जिस तरह तूने इसको शरीयत का इलम दिया है मुझे और मेरी औलाद को भी दे कि हम उस इलम के साथ तेरे करीब हो जाएं। अच्छा मेरे भाइयों, इस दुआ का तीसरा जो लफ्ज़ है ना, वल अफाफा, या अल्लाह मैं तुझसे ना पाक दामनी का सवाल करता हूँ। किसका? मैं यहाँ पे ना मौलवियों के लिए एक बात करने लगा हूँ अपने आप को शामिल करके। तुहानू पता है होरां मौलवियों के पिछे लोग चढ़ जाते हैं तो मेरे पिछे लोग तो नहीं चढ़ते पर मौलवी चढ़ जाते हैं। मसला है, हम समझते हैं कि शायद हम कोई ऐसी मखलूक हैं कि हमारे ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, इसलाह नहीं हमारी हो सकती। मेरे भाइयों दोस्तों, हम मौलवी लोग अपनी बेटियां बतौर दूसरी बीवी के देने को कभी तैयार नहीं। पूरे पाकिस्तान जो मैंने कोई विखाओ ना शेखुल हदीस मुफ्ती जिन्हें अपनी बेटी या भैन का रिश्ता बतौर सौकन दे देता हो, तो असी आखिए जी क्या बात है जी, हजरत साहब तो बड़ी बामल ने, लेकिन 60 साल की उम्र में भी दाड़ियां कालियां करके चौपड़ चापड़ के लोगों दियाँ धियां मावं भैन असी दूजी दूजी तीजी तीजी चौथी चौथी यार लैन वास्ते तैयार है। ये क्या है? और औलाद में से कोई बेटा बेटी ऐसा नहीं है कि जो मिसाली मुसलमान हो, माशाल्लाह बुराई में उनके रिकॉर्ड कायम है, कोई अच्छाई में नहीं। तो मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ, पाक दामनी का मतलब क्या है? क्या आप मजहब और दीन की आड़ में बेटियों के साथ लोगों की औरतों और इज्जतों के साथ खिलवाड़ करें? नहीं। ये फितने का दौर है, एक बीवी के हक हुकूक और औलाद की जरूरियात आप बतरीके आसन पूरी कर लें तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस्लाम में तादुद ज़िवाज का ताल्लुक ज़रूरत की बुनियाद पर है, ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं। सहाबा किराम और मुहद्दिसीन की अक्सरियत की एक एक ही शादी थी। जो नबी अलैहिस्सलाम ने शादियाँ की हैं उनके अंदर हिकमत है। आप उस हिकमत और सुन्नत को छोड़कर, नबी अलैहिस्सलाम के उसवे को छोड़कर, मकासिद को छोड़कर आप जो हैं वो अगर किसी सुन्नत को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको फितना बना देंगे अपने लिए और माशरे के लिए। तो पाक दामनी, ना खुफियाँ दोस्तियाँ करनी है, ना मर्दों लड़कों की तरफ मिलान है, ना औरतों के साथ रह और रसम है, और ना ही किसी की खूबसूरती और बदन को देखने का रसिया होना है। यही वजह है कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जिना नहीं करना, फरमाया वला तकरबुज़ज़िना, जिना के करीब भी नहीं जाना, करीब भी नहीं जाना।